हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एडसेंस का अप्रूवल के लिए आपके पास में क्या गाइडलाइंस वगैरह हैं, क्या करना चाहिए, कब अप्रूवल के लिए आपको डालना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के बेस में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या आपके पास में कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं। तो आंसर इज नो, आपके पास में कहीं पर भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपके पास में इतना ये ट्रैफिक होना चाहिए या इतना आपके पास में जो है ब्लॉग पोस्ट लिखे होने चाहिए तभी जाके आपको जो है अप्रूवल मिलेगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो यहां पर मैं बता दूं कि मैंने मात्र पांच आर्टिकल लिखने के बाद, पांच ब्लॉग लिखने के बाद भी, एक ब्लॉग के अंदर पांच आर्टिकल लिखने के बाद भी मेरे को जो है 24 आवर्स के अंदर अप्रूवल एडसेंस का मिल गया था। तो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात करूं तो मैं अब तक जो है ऑलमोस्ट 7 से 8 मेरी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उनके ऊपर मैं अप्रूवल ले चुका हूं एडसेंस का। और जनरली मुझे जब भी मैं अप्लाई करता हूं तो 24 से 36 घंटे के बीच बीच में मेरा अप्रूवल जो है वो हो जाता है। रिसेंटली मेरी एक वेबसाइट पे मैंने जो है 1 महीना पहले जो है एक अप्रूवल लिया है एडसेंस का, वहां पर मात्र मुझे जो है 10 घंटे भी नहीं लगे उससे पहले ही मुझे उस वेबसाइट के लिए, हालांकि वो नई वेबसाइट थी, नया डोमेन था, सब कुछ नया था, उसके बाद भी कोई ट्रैफिक नहीं था उस पे, उसके बावजूद भी मुझे जो है 8 से 10 घंटे के बीच में ही वापस रिप्लाई आ गया था कि आपका एडसेंस अप्रूवल जो है वो हो चुका है। तो गाइस, मेरे अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं तो सिर्फ अब तक जो पिछले 4-5 साल से जो मैं काम कर रहा हूं इस डिजिटल के अंदर, तो मुझे तो अब तक यही समझ में आया है कि अगर आपके पास में आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आपके पास में बहुत ही स्पेसिफिक जो चीजें हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बाद में बात कर रहा हूं कि मैंने यही चीजें एब्जॉर्ब करी है कि अगर आपका कोई कंटेंट है, पहला चीज वो कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि जो भी आप ब्लॉग बनाएं उसकी जो थीम है वो काफी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर यूजर फ्रेंडली नहीं है तो वहां पे एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो बन सकते हैं, जहां पे आपका डिले हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। और तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे जो इंपॉर्टेंट लीगल जो पेजेस हैं वो होना जरूरी है। और यही गलती बहुत लोग करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर जो है प्राइवेसी डिस्क्लेमर और जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन वाले जो पेजेस हैं वो नहीं डालते। नहीं डालने की वजह से जो है कि आपके जो एडसेंस अप्रूवल जो होने हैं वो आपका या तो डिले हो जाता है या फिर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप जो है पहले से ब्लॉग को पूरा अच्छे से परफेक्टली यूजर फ्रेंडली थीम लेके चल रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है आपकी, और जो है आपका जो आर्टिकल्स हैं वो आप जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा लिखें, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन ये है कि 5 से 10 भी हैं, लेकिन अगर आपने जो भी आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छे से, जो भी ब्लॉग लिखा है बहुत अच्छे से डिटेल में लिखो, ऐसा लिखो जहां पे आपके पास में यूजर को आपके उस आर्टिकल के ऊपर में आके कंफ्यूजन ना हो, यूजर फ्रेंडली आपका कंटेंट होना चाहिए। तो और साथ ही साथ आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और जो प्राइवेसी पॉलिसी जैसे जो पेजेस हैं अगर आप उनको पहले अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद में आप जो है जैसे आपने ये सब अपडेट कर लिया उसके बाद में मैं सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 7 to 10 days तक जो है आप अपने ब्लॉग पोस्ट को जिस पे भी आप, जिस भी वेबसाइट पे आप अप्रूवल लेना चाहते हैं वो वेबसाइट को आप प्रमोट करें सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी जरिए, ताकि आपके पास उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर में कुछ, ज्यादा नहीं तो कुछ जो है आपके पास में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। इंडेक्सिंग करवा दें उसकी, उसको आप जो है वेबमास्टर टूल के अंदर ऐड कर दें सो दैट कि आपका जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो जाए। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज पे आपको रिजेक्शन मिलेगा, अगर आपका कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपके जो है ब्लॉग जैसे कोई नॉलेज नहीं मिल रहा आपकी वेबसाइट पे आके, यूजर को जो है कुछ आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत लोग जो है अपने इस तरह की वेबसाइट बनाते हैं उस पर अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं, वहां पर अप्रूवल आपको नहीं मिल सकता है, आपका रिजेक्शन ज्यादा होने के चांसेस हैं, मिल भी सकता है और नहीं भी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आपका ब्लॉग है और आपने ये जो मैंने गाइडलाइन बताई आपको ये अगर आप फॉलो करते हैं और मिनिमम 15 दिन के बाद में भी, आज डोमेन बुक करा और ये सब काम आपने पहले जो थीम प्लस कंटेंट डालने का आपने जो मान लीजिए 7-8 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सब अपडेट कर दिया
उसके बाद जो है कॉन्टेक्ट अस पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्ट अस पेज जो है उसमें आपके पास में फॉर्म होना चाहिए प्लस आपका एड्रेस होना चाहिए सो दैट की लीगल चीजें लगे, वो अगर आपके पास में है इतना और उसके बाद में 10 आप जो है एक 7-8 दिन जो है उसका प्रमोशन कर लें सो दैट की कुछ फुटफॉल जो है आपके वेबसाइट पे आ जाए ब्लॉग पे आ जाए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपका जो अप्रूवल है वो होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से कभी अप्रूवल लिया हुआ है तो आपको थोड़ा जल्दी चांसेस हो जाते हैं। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं आपके पास मल्टीपल एडसेंस अप्रूवल होते हैं तो आपको जो चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कि आप एक ही एडसेंस के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को जो है उसमें इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं। सो ये मेरे बेस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को पूरा गाइडलाइन दी है। तो अगर आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलता हूं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।